गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो गाइस, बड़े ही दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, आप इसका आइज देख रहे हो सुबह से बहुत रोया इसने, क्योंकि हमारा ये घर पे आज लास्ट डे है, क्योंकि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। तो ये देखिए, घर पूरा खाली, मतलब हमने दो दिन से पूरा शिफ्टिंग विफ्टिंग किया, ठीक है, और हमारा इस घर पे ये लास्ट ब्रेकफास्ट है जो कि छत्ता में आने वाला है। तो मतलब एक खुशी, मतलब खुश भी हूँ मैं और दुख भी हूँ, ये घर छोड़ने का मन नहीं था, क्योंकि हम लोग, मतलब इसने ना बहुत प्यार से सजाया था, मतलब ये रूम, एक एक इसका टेडी बियर, वो सारी चीज़ें, मतलब बहुत प्यार से सजाया था इसने, इसलिए इसको इसे सुबह बहुत रोया। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये खबर थी दुख वाली, अब इसके बाद का जो टेक होगा वो होगी खुशी वाली, तो साथ में बने रहिए, ठीक है। टन टन, और इसको थोड़ा रोने मना कीजिए। मेरा टेक तो कौन तो से कि मतलब कोई चले जाती सिलीगुड़ी गले भी 20 दिन थके आसी भाई हमारे इसके अब दिमो सुना ठीक है से कंटिन्यू झगड़ा करना है, ठीक है। चलो आज तो ध्यान रख कर, ठीक है से। चलो बाय, ठीक है से, ध्यान रखो, बाय। सावधान था जा कोई सी जरम भाव कोई सरम भाव करिस, ठीक है से, ठीक है से। अरे फटाई आशपो, टेंशन नहीं, सुन फटाई नहीं आशा चाहिए, फटाई आशपो, फटाई आशा चाहिए। हम जा रहे हैं तो मम्मी रो रही है, पता नहीं मम्मी लोग कितनी मुश्किल है, से हो तो मैं भी पर रो नहीं सकता। तो गाइज, हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, आपने तो देखा ही मम्मी का हालत, पर उस चीज़ को अपन अभी स्किप कर दे, नहीं तो ये वीडियो पूरा इमोशनल बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, देख के आप सच में डर जाओगे, ठीक है। टड़ंग टड़ंग भाई साहब, सामान देखो, आपको 360 में दिखाता हूँ सामान, इतना सारा सामान है। अरे भैया आए हमारा सामान उठाने के लिए, और ये ठेले में जाएगा अभी हमारा सामान, ठीक है, इतना सारा सामान है। अब मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि हम जा कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा सामान, ओ भाई साहब ये देखो सामानों का पहाड़, इतना सारा सामान जा रहा है हमारे साथ। मेरा हालत ख़राब हो रहा है, और ये दोनों को देखो, महारानियों को मजे करते हुए। अरे ये कौन है? आप गर्लफ्रेंड? अच्छा, मैं कहीं पीछा छोड़ने वाली हूँ क्या, ये बताओ आप लोग। यार मेरी सोच तुम सोच गई। एक बात बताओ, मैं हूँ तुम्हारा किधर, फ्लाइट में टिकट हुआ है क्या, ये क्या है? मेरा ट्रेन उड़ेगा ट्रेन उड़ेगा। तो गाइस ये रही हमारी सामान जो कि अभी आ रही है, ठीक है, और ये रहा हमारा लगेज, ये दोनों लगेज है। तो अभी हम अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। हाँ भाई एक मिनट भैया, तुम्हारा वीडियो ज़्यादा दिखता है। ये भाई स्टेशन पे मिल गए हमको, ठीक है, तो पता है ना मेरे फैन फॉलोइंग कितना है गाइस। भाई किस में देखा आप मेरे को? यूट्यूब में देखा है भाई, और यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे, एक नंबर। आओ ना, आ जाओ आ जाओ। तो गाइस आते आते सेल्फी देते हुए, ठीक है, कौन सा वीडियो देखा आप हमारा? बहुत सारे देखा है, बहुत सारे। क्या नाम है, नाम बता दो? अनिल राणा। अनिल उड़ीसा, उड़ीसा से है भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम अभी ट्रेन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और ये भुक्कड़ लोग खाना खाने बैठ चुके हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 बैग्स है, यहाँ पे भी बैग्स है, यहाँ पे भी बैग्स है, और ये रहे मेरे दोनों लगेज, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मम्मी, सामान उठाया कोई इज्जत ही नहीं, देखा, थैंक यू मम्मी। नहीं नहीं खाओ भाई, तुम खाओ, तुमको मुंबई जा, ओह शिट मैं तो बोल दिया गाइस हम लोग मुंबई जा रहे हैं, हमें बताया था आपने फ्लो फ्लो में बोल दो और एक बार आप अच्छे से। हम लोग मुंबई जा रहे
तो हम अभी सेकंड एसी में है, ठीक है। केबिन नहीं हुआ क्योंकि बहुत टफ था केबिन करना, तो जो हमारा टिकट करता है वो नहीं कर पाया। तो अभी हमको सिर्फ 3 सीट्स ही मिले हैं, तो 1 सीट्स में ये सारे सामान है, आप ऊपर देख रहे हो ये सारे सामान है। बाकी 2 सीट्स है पर हम लोग है 3 लोग। तृप्ति जो कि बहुत मोटी है, जो मेरी हाफ गर्लफ्रेंड है वो बहुत मोटी है, तो उसका 1 सीट लगेगा। और 1 सीट में मेरा छोटा मैं सोएगा, 1 सीट में मेरा छोटा मैं सोएगा, और मैं कितनी क्यूट बन रही है ना फोकट में, नीचे चद्दर बिछा के एसी में भी मैं चद्दर बिछा के देखने में कैसे सोता होगा इस, या तो मेरे को कोना कंची में बैठ रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरे को लगा है भूख, तो मैं खाता हूँ खाना। फिर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग सो के उठे हैं, ठीक है। तुम ब्रश किया? खुद ब्रश नहीं किया, मेरे को बोलते लेडीज फर्स्ट, कोई भी काम हो लेडीज फर्स्ट, पहले गर्ल्स करेंगे उसके बाद बॉयज। मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस गर्ल्स को देता हूँ, खास करके इसको। तो ये जब तक ब्रश नहीं करेगी तब तक मैं नहीं करूँगा ये मेरे। गाइस जब तक मैं नहीं खाऊंगी ये नहीं खाता। नहीं ये ज़्यादा हो गया। तो तुम ब्रश करो फिर मैं ब्रश करूँगा, ठीक है। बाकी मेरे हेयर स्टाइल देखेंगे। हाँ मैं ये बोल रहा था, तो गाइस हम लोग कल्याण पहुँच चुके हैं। कल्याण एक स्टेशन और बचा है, तो कल्याण भी मुंबई में आता है पर हमारा स्टेशन अभी और एक स्टेशन बचा है, 1 घंटा लगेगा। तुमने जो मजा किरकिरा कर दिया, तुम पता है आप लोगों को लास्ट में बताने वाले थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये वो में मुंह से निकल गया कि हम लोग मुंबई जा रहे बोल के। लास्ट एक स्टेशन उसके बाद तो गुड मॉर्निंग, जा ब्रश कर। मैम हो गया आपका लिपस्टिक लगा के? मुंबई पहुंच गया, लिपस्टिक लगाना तो बनता है मेरा मैम। सुबह सुबह लिपस्टिक लगाना बहुत जरूरी है गाइस, इससे क्या होता है आपके होंठ कोमल और स्वादिष्ट रहते हैं। स्वादिष्ट नहीं। फाइनली हम आ गए, पर सास को हम कुली बना रहे। और इधर रॉय नितेश भी। सो गाइस आई एम द ब्रांडेड कूली ऑफ द ईयर। पर तुमने ना ड्रेस भी रेड पहना है पता है, तो इसका मतलब तुम कूली बना दो मेरे को। तो गाइस फाइनली हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, और ये पूरा सामान था भाई उतारेगा जोगिंदर सिंह प्रसाद। ओ दिस इज अ कॉन्फिडेंट, आ गया दूसरा कूली दे रहा ना, बोले ड्रेस पे रेड लगा। अच्छा कॉमेडी की। हो गया तो फाइनली हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, और ये रहा हमारा मुंबई का बंदा जो कि इसको असेंबल किया है हमने। और कैसा लग रहा है हम लोग के साथ बोल दे एक बार। बहुत ही क्या, बहुत ही गर्मी लग रही है इन लोगों को, 3-3 हॉट पीपल लोग को मिला है ना। यही वो लड़का है जिसका पर्स घूम गया था। घूमने गया था, छुपाया गया था। एक सेकंड उधर मुकर, उधर मुकर। तो गाइस ये रहा इसका लव बाइट, आप देख सकते हैं। अच्छा लव बाइट, हम लोग के आने से पहले कांड करके आया ये कुछ तो। हम तीनों सेम टीम के लग रहे हैं, मेरा मैं अलग टीम का लग रहा है। तो गाइस मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि इतना सारा सामान था, इतना सारा सामान था, सामान उठा उठा का हालत देखो। तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ा सा नहाए धोए हैं, और अभी हम लोग है ये इंसान जो पीछे से आ रहे हैं इनके घर, ठीक है। दीदी एक सेकंड आओ ना, ये दीदी है जिन्होंने हमारे लिए बहुत हड़बड़ी में है वो, क्योंकि हमारे लिए ये सब बना रही है वो पोहा सोहा, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो ब्लॉग आएगा ना वो और इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उसमें खतरनाक कंटेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी ब्रेकफास्ट कर लेता, ठीक है।